friends, this is Dr. Murdish Mahajan and you are in this orange city, Nagpur, and these are all my HHFians. This Nagpur HHF, woman wing of HHF, Nagpur. So, हम लोग ने क्या सोचा ना कि आज एक वीडियो बनाएंगे और ऐसी रेमेडी लेंगे जहाँ पे जो एक वुमन होती है, जो घर की गृहिणी होती है ना, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि इतना भी मत करो कि ताकि पूरी दुनिया आपको टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए। yes. सबको मैं एक एडवाइस देता हूँ, क्योंकि जो घर की इंडियन बहू होती है वो कंटिन्यूसली करती है, बहू और सास भी, सॉरी दे विल एग्री और नॉट आई डोंट नो, बट जो कंटिन्यूसली करती रहती है और अपेक्षा नहीं करती है, और तो क्या था कोई उसको रिफ्यूज, जब तक वो कभी किसी को रिफ्यूज नहीं करती है, हाँ ठीक है ऑलवेज अवेलेबल फॉर द फैमिली एंड हस्बैंड और नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन एक्सेप्ट द फैमिली, देन एवरीवन विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। सो एक ऐसी रेमेडी हम लोग लेंगे ना, एक ऐसी वुमन जो इतनी करती है और एवरीबडी टेक्स हर फॉर ग्रांटेड एंड दैट इज द रीजन शी इज सिक। यस एंड व्हाट इज दैट रूपाली? इट्स लाइक आप में से बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी बहुएं हैं ऐसी जिसको बहुत ऊंचाई पे उड़ना है, शी वॉन्ट्स टू फ्लाई हाई हाई एंड हायर। तो आज ऐसी हम लोग आज एक नई मेडिसिन देखने वाले हैं एंड इट्स फाल्कोन। ओके, सो फाल्को पी का क्या है ना, हम लोग आज इनसे समझेंगे कि फाल्को पी क्या है। हम लोगों ने बहुत कुछ वीडियोस बनाए हैं फाल्कोन पे, और एक वीडियो, क्योंकि एक वीडियो तो इन पे बनता है। देखा कि सीपीआर है, इग्निशिया है और बाकी सारे ऐसे जो डोमेस्टिक रेमेडीज हैं, तो इसमें आप एक और ऐड कर लो फाल्कोन, जो कि डोमिनेटेड है, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन में है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ऊंचा उड़ना चाहती है बट आईपीआर उसको उड़ने नहीं देता और फिर उसके एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज डॉक्टर पूजा परसापुरे फ्रॉम नागपुर एचएचएफ। हाय, दिस इज डॉक्टर शिल्पा लड़ीवाला फ्रॉम नागपुर। मैं बताना चाहती हूँ कि फाल्कोन जो है इसमें पावर होता है विंग्स का, विंग्स, पावर ऑफ विंग्स। ओके, इट फ्लाइज अबव द क्लाउड्स, इतना पावर होता है, इतना पावर होता है। और जो डॉक्ट्राइन है इसका, ब्लड मेडिसिन जो बना है वो कैप्टिवेटेड फाल्कोन से बना है, ठीक है, जो कैप्चर किया है, जो बंधा हुआ है, जिसमें इतनी क्षमता थी कि वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ रही है और फिर उसी को घर में बैठा दिया है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, बंद गई है, ट्रैप हो गई है। इसमें बहुत पावर होता है फाल्कोन में और फिर भी डोमिनेट होती है। अभी yes. थोड़ा सा एग्जांपल्स कैसे ना पावरफुल देने को, उनकी एक टेबल टेनिस चैंपियन है, शी इज एन इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, बट बिकॉज ऑफ आफ्टर मैरिज क्या हो गया, बहु माँ सास ने बोला नहीं नहीं तू घर में बैठने का, तेरे को टेबल टेनिस वो तेरा हो गया ना, अभी वो शादी के बेला अभी घर पे बैठेगा। नाउ सी व्हाट शी वाज ट्राइंग टू टेल अबाउट अबव द क्लाउड्स, इज नेशनल चैंपियन एंड नाउ कैप्टिवेटेड इन द फैमिली, बराबर है? सो या जिग्ना, यू वांट टू शेयर समथिंग? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना पावरफुल एक बर्ड हु हैज द हाईएस्ट स्पीड, विच इज नोन फॉर द स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर, ऐसा भागने वाला और कोई भी नहीं है, तो ये ऐसे कैसे अब्यूज हो गया, ऐसे कैसे कैप्टिवेट हो गया? सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट एट्रीब्यूट व्हाट फाल्कोन हैव इज नाइफ, ओपन एंड चाइल्ड लाइक, इतना भोला, इतना नौ सीखिया टू बी प्रिसाइज, कि आप पेशेंट ऐसे देखोगे कि वो दे आर सो फ्रिविलियस, दे आर सो लिबर्टाइन कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई भी अपनी झांसे में ला सकता है। सो विथ सच अ पावरफुल देर इज अ मॉर्बिडिटी ऑफ बींग नाइव, इतना ऑनेस्ट कि जो रहेगा वो बता देगा, जैसा चाइल्ड लाइक, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, भोला। तो कैसा मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल है ना, तुम लोगों को आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी, इट्स ऑफ वन मिनट ओनली, कि हाउ कैन नॉट इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर कैन सिट एट होम, बिकॉज दिस एटीट्यूड बियर एंड कैरेक्टर ऑफ अ फाल्कोन इज
जस्ट लाइक ओके, सास नक्सुमी को बोले कि किसी में हिम्मत है क्या, ए तू घर पे बैठेगी करके, किसी को हिम्मत नहीं है क्योंकि नक्सुमी का एट्रीब्यूट कैसे है ना, डिफाइंस है ये ऐसे, हाँ ए तू नहीं जाएगी, ठीक है नहीं जाएंगे, दिस इज दिस व्हाट शी वांटेड टू बी ऑफ नाइन चाइल्ड लाइक, ठीक है इसको कैसे भी हम लोग खिसे में रख सकते हैं, अंडरस्टैंड दिस एंड वेरी फ्रिवोलस. Yes. इतना प्यारा बंदा है. मैडम आपने आपका नाम नहीं बताया, मुझे मालूम नहीं आपका नाम क्या है. आई एम डॉक्टर प्रियंका मांगलकर फ्रॉम नागपुर. सो द फैल्कॉन इज इतना प्यारा बंदा है कि वो प्यार में अपने फैमिली के लिए करते जाता. ही हैज एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन एंड अबाउट फैमिली. फॉर फैमिली के लिए वो डोमिनेट होते रहता है, प्यार मतलब सैक्रिफाइस करते रहता है खुद की जो चीज़ें, जो पावर है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है इजीली, इस फीलिंग में भी है तो वो भी वो इजीली छोड़ देता है. yes. कि अचीवमेंट्स उसके जो भी रहते हैं कि ही कैन अचीव द ग्रेट हाइट्स, बट फैमिली के प्यार में वो छोड़ देता क्या है. बात है, क्या बात है, वेरी गुड. दिस दैट इज इज आल्सो हर पावर. यस, तो शी इज कॉन्फिडेंट इन दैट इज आल्सो. यस, कौन करेगा यार इतना, कौन करेगा, सोचो कि जो जिसमें सब कुछ है उसके विंग्स में पावर. आपका नाम मुझे नहीं मालूम. डॉक्टर मेघा रॉय फ्रॉम नागपुर एचएचएड. अच्छा, कौन करेगा ना, जिसके विंग्स में इतना पावर है, जिसमें जो इतना पावर रखता है कुछ भी करने का, उससे ऊपर उड़ने की इच्छा रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन एक इजी फीलिंग जो उसका है कि नहीं चलो यार किसी घर वालों के लिए परिवार के लिए बस डोमिनेट होते जाता है, सब छोड़ते जाता है. लेकिन हर शुरुआत का अंत होता है ना, वो अंत उसको ट्रैप फीलिंग में डाल देता है, जो डिलीजेंट ट्रैप में चला जाता है और फिर उसको वो पछता होता है कि यार मैं तो फंस गया हूँ, कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ. एग्जैक्टली. इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सुबह मतलब फिर डोमिनेटेड है, इतना एंग्जाइटी है, मैं सबके लिए सैक्रिफाइस करता हूँ, तो फिर कैरसिनोसिन से हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डोमिनेशन भी है, सबके साथ प्यार भी करता है और सब कुछ होता है, फिर कैरसिनोसिन से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैरसिनोसिन ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कैरसिनोसिन इज इन द रूब्रिक pleasing desire to please others, और कार्सिनोसिन को दूसरो, वेरी गुड, बोल आप बोलो. राइट, यस, कार्सिनोसिन प्लीजिंग करते रहता है बिकॉज ही हैज द मेन रूब्रिक लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स. दोनों भी डोमिनेशन में है, दोनों भी प्लीजिंग, डोमिनेशन भी, कार्सिनोसिन भी डोमिनेशन, लेकिन फाल्को भी किसी के सामने अपेक्षा नहीं करेगा. ये ठीक है, करना करेंगे, रुकना है रुकते हैं, माइल्ड है ना, माइल्डनेस इज फीलिंग, ओपन चाइल्ड लाइक, ध्यान में रखो ये, हाँ ठीक है चलेगा. अरे पागल, उसकी माँ बोलती है, सास ने बोला तो ठीक है भाई ठीक है, अरे पागल यू आर सो टैलेंटेड यू शुड डू समथिंग, अरे मामा छोड़ ना, मामा ने बोला तो नहीं, नहीं तो नहीं. सी दैट इज फीलिंग ऑफ, ऐसा रूबरी का इज फीलिंग ऑफ. और जैसे मेघा ने बोला ना, किसी भी शुरुआत का एक अंत होता है, वो ट्रैप होती है. मेरे एक पेशेंट ने एक ब्यूटीफुल वर्जन दिया मुझे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग डेल्यूजन प्रिजनर शी इज एंड डेल्यूजन प्रोस्टिट्यूट शी इज. उसने कहा कि सर जिंदगी भर में डोमिनेट होती रही, जिंदगी भर हस्बैंड के हाथों एब्यूज होती रही, एंड थाना में मैं एक जगह है जो आइकॉनिक प्लेस है, जैसे नागपुर में बहुत सारे हैं. हाँ, मेरा नाम मैंने मस्ती कर रहा हूँ, ये डालना वीडियो में, लेकिन मेरा नाम डॉन. उसने इतना ब्यूटीफुली हम लोग को समझाया. सिंस दैट डे वी अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ वाइटल फोर्स. व्हाट शी सेड, यू नो, आई अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय प्रिजनर. सिर उठा के बोलो. उसने बोला कि सर मैं 20 साल की शादी है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मैं जो आइकॉनिक प्लेस है थाना की, मैं वहाँ तक नहीं गई हूँ, मैं चार दीवारी में अटक के रह गई. इनका सब करते करते, इनके कपड़े धोते, इनके बर्तन मांजते, इनका खाना बनाते और इनके लिए सोते. ऑलवेज अवेलेबल, कभी नहीं होना. यस, सो मैंने क्या किया, मैंने हाँ यही किया ना. सो दैट इज मेंट बाय प्रोस्टिट्यूट, कि यू आर अब्यूज्ड, यू आर एक्सप्लॉयटेड. एंड उसने जो बोला, मैं सिर्फ उसके लिए खाना बनाती रही, मैं उसके लिए उसके बर्तन मांजते रही, उसके कपड़े धोती रही और उसके लिए सोते रही. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ इट. एंड दैट टाइम इट वॉज जस्ट माई आईज वर लिटरली वेट एंड आई कुड अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ऑफ दैट वाइटल फोर्स ऑफ फाल्कन. सो अभी द माइंड बॉडी एंड द सोल,
एक्सिस द वाइटल फोर्स एक्सिस दिस प्रिजनर दिस कैप्टिवेशन दिस इज लॉक्ड सो देर मे बी केसेस वेर इन देर लॉक जॉइंट्स अंडरस्टैंड आस्क देम what is the thing which you wanted to do and you're not able to do or you're not allowed to do or you're restricted to do this restricted to this restriction of movements restriction of movements in the joints right. this is also this is one of the ek third eye karke kisi ne book likha hai usme falcon ki ka ek remedy diya hai usme maine bataya tha maine likha hai ha maine likha hai aapka naam aapka naam sir aapka naam bataiye छोटा डॉन और कैसा है उसमें लिखा है मैंने बुक में कि शी वॉज अ टॉपर इन द 10th एंड मेरिट होल्डर एंड शी वॉज आफ्टर 10th व्हाट शी वॉज डूइंग वो शी वॉज डूइंग अ कोर्स ऑफ कैंडल्स डिजाइनिंग एंड ग्लास डिजाइनिंग कैन यू इमेजिन कैन यू शी वॉन्टेड टू बी एन MBBS डॉक्टर बट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द पेरेंट्स शी सेड ओके इट्स ओके दैट्स ऑल दैट्स आई कैन अंडरस्टैंड I'm not able to go ahead for my further education. It's okay. I'll not do that. I'll sit at home. That was the thing which was, you know, this trap feeling. But the way and why Falcon P falls sick. तुम लोग बोलते हैं ease feeling है तो हम लोग आराम से dominate होते हैं तुम लोग बोलते हैं चलो मुझे बहुत कुछ efficient होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ फिर भी वो easily accept करती है तो फिर बीमारी क्यों होती है बीमारी इस वजह से होती है कि जब मेरे पास बहुत सारे efficient powers I am able to do anything what I want to pursue in my life and still I am sacrificing everything for you wholeheartedly okay wholeheartedly not to for any appreciation wholeheartedly but jab ye jo family mujhe baad mein taken for granted lete na ki tere ko kuch nahi aa raha tu chup baith then it hurts you are are I am a chartered accountant and tu bolti mere ko tu maths mat sikha tere ko kuch nahi aata my god I am a CA aur topper in CA mujhe mera bachcha bolta tu maths mat sikha This is where Falcon falls sick. And there is a threshold to each and everything. And when that threshold is crossed, वो जब उसकी limit cross हो जाती है ना तब वो बीमार हो जाती है. और फिर finally resignation में चली जाती है. Resignation में चली जाती है. And this is actually ये जो हमारे woman team है वो actually always believes दूर से type हो जाते हैं नजदीक आना. हाँ सब लोग दिखने चाहिए. HHF always believing, you know, woman empowerment and team, and we believe that we have a wonderful, super yes. rocking. Yes. So three super cheers rocking. For Nagpur HHF. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Three cheers for HHF. Entire HHF. Hip hip hooray! Hip hip hooray!